इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द वर्ड प्रॉब्लम और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करवाया था और एक क्वेश्चन 2 होमवर्क में दिया था और क्वेश्चन नंबर 6 बाकी था। कौन सा एक्सरसाइज आपका 4.2 का, ठीक है। तो अभी हम लोग वो करते हैं, फिर 4.3 पर जाएंगे। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। मतलब एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब बहुत स्मॉल इंडस्ट्री, वो पोल्ट्री आर्टिकल बनाते, मतलब घड़े टाइप के, ठीक है, मट्टी के और बर्तन और सब। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब किसी एक दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो इसका मतलब क्या है, 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल ये आपको दिया है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट पे वॉज 90, टोटल कॉस्ट कितना है 90, टोटल कॉस्ट इज 90 रुपीज, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या पूछा आपको, नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब कितने पोल्ट्री आर्टिकल बन रहे और एक का दाम कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो पहला हम लोग लेते लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। आर्टिकल को क्या ले लिया, कितने आइटम बन रहे या कितना आर्टिकल बन रहे, उसको मैंने एक्स ले लिया। तो एक एक आर्टिकल का कॉस्ट कैसे निकालोगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट, देखो क्वेश्चन में दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल उसका डबल, ट्वाइस का मतलब डबल किया मैंने, प्लस 3 more मतलब प्लस 3 करना है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में इतना कॉस्ट आ रहा है और ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, समझे आप, ठीक है, समझ में। ये दोनों कैसे निकाला, क्योंकि हमें मेन यही निकालना है। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हियर इट इज गिवन 90 रुपीज, ठीक है 90 रुपीज। बट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी का भी कैसे निकालोगे, जैसे कि मान लो कि आपको कोई एक पेन का, एक पेन का दाम 2 रुपया है या 5 रुपया है, ठीक है 5 रुपीज है, ऐसे आप 10 पेन खरीदे टोटल आपका कॉस्ट कितना 50 रुपीज आएगा। मतलब आप क्या करते हो, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये नंबर ऑफ आर्टिकल 10 पेन टू द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टोटल आता है। वैसे आपको यहाँ पे करना है, क्या करोगे आप, नंबर ऑफ आर्टिकल आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है आर्टिकल, तो आपको क्या देगा वो, दैट गिव यू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आया ना। एक पेन का दाम 5 रुपया है तो 10 पेन खरीदे तो 50 रुपये पड़ेगा, वही नंबर ऑफ पेन आर्टिकल ये होगा, एक कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल आपका क्या है, एक्स है, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या लिखा है, 2x + 3 = 90 आपका आ जाएगा, क्लियर। अब नाउ इसको मैं सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, इजी है। देखो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में मेन जो प्रॉब्लम होता है ना, इक्वेशन बनाने तक होता है, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। तो देखो पहले क्या है, एक्स और ये इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x, समझ में आया ना, x को इसके मल्टीप्लाई किया और x को इसके मल्टीप्लाई = 90। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -90 रुपये ले लिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन यूज करोगे, तो फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 2 × 90 = 180 हो गया। अब 180 को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और ऐसे करना है कि 3 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे 180 को, 180 को आप लिख सकते 290 जाओ 390 310 25 और 5 बन जाओ, ऐसे आप लिख सकते हो 180 को। अब इसको आप क्या करोगे, 3 चाहिए
सोचो किसको दो मल्टीप्लाई करने पे 180 है और प्लस या माइनस करने पे 3 है, कौन से दो नंबर होते हैं? देखो अगर सपोज, देखो इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में अभी पहला, अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 9 9 2 18, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। पर 10 और 18 को मल्टीप्लाई करने तो 180 आ रहा है, लेकिन इसको प्लस या माइनस करने पे 3 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आप नहीं कंसिडर कर सकते। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस में क्या होगा, सपोज आप ये पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, या देखो ये 2, ये 3 और ये 4 को मल्टीप्लाई कर, 2 को मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा 2 × 3 × 2 = 12, और ये और 3 और 5 को, ठीक है, दिस 3 एंड 5, तो 3 5 = 15, तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे आपका 180 आ जाएगा, प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाएगा, तो आपका फैक्टर हो जाएंगे 12 और 15। तो ऐसे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकालना पड़ेगा, मतलब तो ट्राई करना पड़ेगा एक एक दूसरे को, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो हमारा फैक्टर क्या मिला, 2x² + देखो प्लस का साइन चाहिए, तो 12 बढ़ा 15 15 बढ़ा, तो मैं 15 को लिखूंगा, -12x - 90 = 0। अब देखना ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इन दोनों में एक्स है, तो एक्स को कॉमन निकाला, इधर बचा 2, ये एक्स चला गया, तो इधर एक और एक्स बचेगा, +15, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों में ऐसे कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि 12 है और यहाँ पे 90 है, बट आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 6 या 12, ठीक है, और 6 15 या 12, सॉरी 6 15 या 90। अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा होगा, 6 दिख रहा है, तो मैंने 6 को कॉमन निकाला, इधर बचा एक 2 बच गया और दूसरा एक्स बच गया। अब इधर एक माइनस है, माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, 15 = 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, x - 6 और 2x + 15 = 0। तो देखो एक का आंसर आएगा x - 0, तो x = 6, और दूसरा आएगा 2x + 15 = 0, मतलब 2x = -15, तो x = -15/2। बट नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कभी ये नंबर ऑफ पार्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग ये वाला आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा, x = 6, ठीक है, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल। अभी दूसरा क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मिल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल यू गेट नंबर ऑफ आर्टिकल = x = 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, 2x + 3 था पिछला स्लाइड, पिछले तो पीछे देखना वीडियो, तो 2x + 6, तो हो जाएगा 12 + 3 = 15। तो देखो आंसर भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है और एक आर्टिकल का नाम कितना है 15, तो 15 6 90, तो वही टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया था 90। इसमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम फिर कहाँ आएगा आपको, फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है, और बाकी कुछ है नहीं थी। तो फैक्टराइजेशन के का दूसरा ऑप्शन क्या है, फैक्टराइजेशन जिसको प्रॉब्लम होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकता है, और उसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन आते हैं, बेटर यू डू बाय फैक्टराइजेशन, क्लियर। अभी हम लोग का 4.2 यहाँ पे खत्म हो गया है, अब हम लोग 4.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो 4.3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 करवा दी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनट, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड इट्स प्रेजेंट। देखो क्या दिया है, रहमान है, क्या रहमान का जो एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद, ठीक है, 5 ईयर नाउ, इसका रेसिप्रोकल 1/3 है। देखो पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स, क्या माना मैंने, एक्स माना, ठीक है, तो 3 ईयर अगो का एज क्या होगा, 3 ईयर अगो रहमान का एज हो जाएगा, 3 ईयर अगो रहमान, अगो का मतलब होता है पहले, 3 ईयर अगो रहमान एज इक्वल टू x - 3, तो अगर जब भी अगो होगा तो आपको माइनस करना है, और 5 ईयर नाउ,
मतलब आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर कहाँ से कंसीडर करना है, प्रेजेंट एज से। तो एक्स प्लस 5 का एज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है ये दोनों का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू एज, मतलब x-3 का रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस सम, मतलब प्लस इसका रेसिप्रोकल, मतलब x+5 इक्वल टू 1/3, ये आपका इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो उसके लिए जस्ट सिंप्लीफाई इट, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेके, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मतलब 4.3 के वाले में। एलसीएम क्या होगा ये दोनों का, x-3 और x+5, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, इक्वल टू 1/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x+5 प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अगर माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट का यूज करते, x-2। क्लियर, क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 1/3। अब देखो x+x हो जाएगा आपका 2x, 5+3 हो जाए, 5-3 है तो 2, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो। आफ्टर दिस इक्वल टू 1/3, इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, तो 3 देखो 2x+2 को ऐसे ही रहने दो, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, x-3 और x+5 इक्वल, ठीक है, ये आपका हो गया 3 2 6, x+3 2 6। अब ये कैसे करोगे, x ये पूरा टर्म, -3 ये पूरा टर्म, तो ये हो गया 6x+6 इक्वल टू, ये क्या हो गया, x × x, और x को 5 के साथ भी, तो x² + 5x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है -3, और ये इसके साथ होता है -3। इसको और सिंप्लीफाई करके ऊपर करते, चलो अभी क्या लिख सकते हो उसको, ये तो 6x+6 ही रहेगा, और जो आपका ये है ये इक्वल x² हो गया, लेकिन ये 5x से -3x है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हो 2x-3। अभी ये साइड को 0 रख कर दो, तो ये जो नंबर है इधर आ जाएंगे, तो +2x, देखो ये प्लस था यहाँ पे आया था -6 हो गया, -15 ऑलरेडी है, ये +6 था यहाँ तो -6 हो गया, तो x² 2-6-4 और ये 21, -+20, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो ये की वैल्यू लिख लीजिए, तो कैसे करोगे, ये आसान फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई करने के आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए, आंसर क्या आएगा, 7 और 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 21 आता है, और प्लस से माइनस करने पे 4 आता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -7x, क्योंकि साइन माइनस का चाहिए, तो बड़ा नंबर का माइनस आएगा, +3x -21 = 0, ठीक है। प्लस क्यों, क्या पता है क्यों, 4 चाहिए, 10 चाहिए होता है, माइनस करते हैं, तो एक्स में कॉमन लिख रहा है ये दोनों में से, -7 बचा, ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, बट अगर मैंने इसको 21 को 3 7 जा लिख दिया तो अब 3 दिखेगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा, x-7 बचेगा इक्वल टू 0। दो टर्म कॉमन है उसको एक बार लिख दो, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको दोबारा, x+3 = 0, यहाँ से दो आंसर आएंगे आपके, x-7 = 0 और x+3 = 0, एक्स का वैल्यू -3 आया और दूसरा 7 आया, लेकिन कभी एज माइनस में नहीं हो सकता, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इज नॉट वैलिड। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर, तो रहमान का एज कितना मिल गया, प्रेजेंट 7 ईयर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान
पर टू 7 ईयर्स। ये क्वेश्चन डन। एक और क्वेश्चन कर लेते, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ वन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ द शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब एक स्टूडेंट है शेफाली, उसके दो सब्जेक्ट मार्क्स को मिला के कितना होता है सम ऑफ मार्क्स? ठीक है, दो सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के उसके 30 आ रहे हैं। अब आगे, हैड शी गॉट टू मोर मार्क्स इन इंग्लिश इन मैथमेटिक्स, अगर उसको दो मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा मिलते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते तो उसका प्रोडक्ट कितना होता है? 210। फाइन हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट। देखो वापस मैंने बताया, जब भी सम वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग को सपोज करना है, लेट शेफाली शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मार्क्स हम लोग सपोज कर लेते हैं बी एक्स, मैथमेटिक्स मैंने क्या सपोज किया एक्स ले लिया, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा अपने आप बताओ। फर्स्ट ये वर्ड, पहला वर्ड प्रॉब्लम याद करो, इसमें सम दिया था 27, तो मैंने एक को एक्स लिया था तो दूसरा अपने आप क्या बन गया था 27 माइनस 1, तो यहाँ पे सम कितना दिया 30 दिया, इंग्लिश में मार्क्स कितना होगा 30 माइनस 1। ठीक है, जैसे मैथ में अगर 15 मार्क्स आया तो इंग्लिश में कितना गया 13 माइनस 15 15, ये ऐसा ले सकते हो। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट इज 210, दो मार्क्स का प्रोडक्ट 210 है, लेकिन कब? जब उसके मैथ्स में कितने मार्क्स ज्यादा हो, मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा हो, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो, तो हम लोग लिख देते हैं। देखो तो मैथ्स में मार्क्स इतने थे, बट अभी इसमें क्या है एक्स प्लस टू कर रहे, क्यों कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ाने और इंग्लिश में कितने मार्क्स कम करने हैं 3 मार्क्स कम करने, तो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम में थे, ये टोटल इंग्लिश का मार्क्स था, इसमें मैंने 3 माइनस कर दिया। ठीक है, और ये मैथ का मार्क्स था, इसमें 2 प्लस कर, तो दोनों किस में 120 लिख देना इधर साइड में, गिवन इन द क्वेश्चन गिवन कर, थिंग्स गिवन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 30 माइनस 3 27, और एक्स एज इट इज रह जाएगा इक्वल टू 210। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वापस जो हमने पहला स्टेज बहुत काम आता हुआ, पहले स्टेज में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एक्स अलग कर दिया 27 माइनस एक्स प्लस 2 27 माइनस 1, ये एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 210 210। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई को ये भी इसके साथ, तो एक्स इंटू 27 एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 2 × 27 = 54, और 2 × 8 − 2x = 210। अभी देखो 27 ये 2 है, लाइक टर्म है दोनों, 27x भी और 2x है, दोनों को माइनस करोगे तो 15x बचेगा आपका, −x² + 54 = 210। अब सारे टर्म को वो साइड लेके जाते हैं, ये 0 हो गया, ये वो साइड पे लेके जा रहे क्योंकि ये माइनस है, तो मुझे प्लस करवाना है, तो इधर गया तो प्लस एक्सक्वायर हो जाएगा, ये प्लस 27 इधर है तो −25 हो जाएगा, तो ये प्लस 25 मैंने बोला, और ये है प्लस 210, ये 54 प्लस है यहाँ आएगा तो −54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू 0, ये एक्सक्वायर, ये कितना 25x, ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 210 − 54, तो आप करो 50 माइनस कर दोगे तो 160, तो होगा 156। ठीक है, माइनस करने पर अब देखो, अब इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 25 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 156 आना चाहिए, तो वही वापस केस बन गया। ठीक है, तो वापस हम लोग वो मैथड यूज करें जो मैंने अभी बताया आपको, 56 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, कितने बार में आएगा, 2 × 7 = 14, तो 7 और 8, वापस 2 में जाएगा 39, वापस 3 के जाएगा 13 = 2, ये करने आएगा 1 सितंबर में सीखे आप लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब भी ऐसा केस बन जाए ना, ऐसा बड़ा नंबर, तो हमेशा एक बड़े नंबर को टारगेट करो, उसको अलग करो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो,
देखो ये एक बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा 13, तो मैंने इसको अलग रखा और बाकी ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा 2 2 4 4 3 12। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या 13 और 12 को मल्टीप्लाई करने 156 आ रहा है, हाँ क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई से बढ़, ये दोनों को प्लस करने पर 25 आ रहा है, 13 प्लस 12 25 आएगा, आएगा 13 प्लस 12 25, तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा 13 और 12। क्लियर कैसे निकाला, हमेशा जब भी ऐसा बने ना एक बड़े नंबर को अलग कर देना चाहिए तो आसान हो जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13x-12x+156=0। क्लियर, ठीक है। अब ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा वो हम लोग देखते हैं, पर देखो पहले दो टर्म में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन, तो मैंने एक्स को कॉमन निकाला, इधर x-13 बचा, ये दोनों में कॉमन क्या है कुछ नहीं, बट है इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 13, तो इन दोनों में आप कॉमन क्या दिखेगा 12 दिखेगा, तो मैंने 12 को कॉमन निकाला, बचा x-13=0। तो x-13 दो बार है तो उसको लिख दो और x-12 को लिख दो =0, तो आंसर क्या आ जाएगा x=13 और x=12, दो आंसर आ गए आपके, ठीक है 13 और 12। अब देखो मैथमेटिक्स के मार्क्स को हम क्या सपोज किया, यहाँ पे दो केस बनेंगे, ठीक है केस वन है ये जब एक्स हम लोग 13 लेंगे और केस टू जब एक्स 12 लेंगे, तो जब एक्स 13 है तो मैथमेटिक्स का मार्क्स हम लोग ने एक्स माना था ना, तो x=2 मैथमेटिक्स के मार्क्स हो गए 13, तो इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा, इंग्लिश मार्क्स विल बी 30-x, दोनों का सम था तो 30-x मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका ये 13 है 17। तो पहला केस जब मैथमेटिक्स के मार्क्स 13 होगा तो मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17। सेकंड केस जब तो मैथ्स का मार्क्स कितना हो गया आपका 12x=12, तो इंग्लिश कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा 30-x, तो 30x पे 12 लोगे तो आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो गया 17 और 18, ऐसे दो केस बने, दोनों आंसर लिखना है, एक आंसर से राइट नहीं होगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।